सो हे गाइस, वेलकम यू ऑल मेरे इस YouTube चैनल पर, जो कि मेरे YouTube चैनल की पहली वीडियो है। और बेसिकली ये इंट्रो होने वाला है इस चैनल का, और बेसिकली मेरे बारे में। सो मैं देव हूँ और मैं वेटनरी लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा हूँ। सो इस चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा वेटनरी लैब टेक्नीशियन क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सेम कोर्स होता है जैसे कि लैब टेक्नीशियन हमारे ह्यूमंस में होते हैं। बेसिकली लैब टेक्नीशियन का काम होता है कि सैंपल कलेक्ट करना, जो भी एक पेशेंट से या ह्यूमन से या एनिमल से, सो उनसे जो सैंपल कलेक्ट करके, उनके जैसे कि ब्लड सैंपल हो गया या कोई भी बॉडी से नेजल स्वैब, मतलब कोई भी उनसे सैंपल लेके उनके हेल्थ के बारे में उन्हें रिपोर्ट देना या डॉक्टर को बताना। तो इसी तरह वेटनरी लैब टेक्नीशियन का यही कोर्स है कि हम ह्यूमंस में, हमें अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है तो हम बता देते हैं डॉक्टर्स को, लेकिन जो वेटनरी में जो एनिमल्स होते हैं जो कि ये सब बता नहीं सकते, इसीलिए इसके लिए ये कोर्स करवाया जाता है। तो इसमें एनिमल्स को लैब में टेस्ट किया जाता है, मतलब कि उनके ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं और उनके अंदर कोई भी डिजीज़ वगैरह है तो उनको पता किया जाता है। सो आपको इस YouTube चैनल पे बहुत सी वीडियो देखने को मिलेंगी, जैसे कि हम ट्रीट कैसे करते हैं एनिमल को, उनको मैनेज कैसे करते हैं, उनकी केयर कैसे करते हैं। और यहाँ पे कुछ आपको फ़नी वीडियोस एंड क्यूट वीडियोस भी मिलेंगी एनिमल्स के बारे में। और बेसिकली लेबोरेटरी में पे बेस्ड है ये चैनल, तो इसके अंदर आपको बहुत से एक्सपेरिमेंट देखने को भी मिलेंगे जो कि लैब में किए जाते हैं, जैसे कि मिल्क सैंपल पे या जो भी उनकी क्वालिटी वगैरह। तो इसीलिए इस चैनल से प्लीज़ जुड़े रहिएगा। अब मैं आपको बताऊँगा, अगर आपको वेटनरी लैब टेक्नीशियन बनना है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा। वैसे तो इसके लिए कोर्स ऑफ़र किया जाता है हरियाणा में, हिसार में लुवास एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर 2 साल का कोर्स है। और एक और तरीका है कि आप इस कोर्स को BSc के बाद लैब में MSc करके कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, बाय।